हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MIUI प्लस के 12.0.2.0 स्टेबल एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम के बारे में, जो कि Redmi Note 5 Pro के लिए आया है। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, यहाँ पे जैसे कि स्टेबल रोम में तो फिलहाल अभी में बिल्कुल लेटेस्ट फीचर देखने को मिलते ही नहीं है, पुराने वाले जो है MIUI 12 के वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट फीचर के साथ भी मिलने वाला है। तो न्यू रिसेंट जो टैब आया है वो भी आपको देखने को मिल जाता है और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, फिलहाल पबजी तो बैन हो गया, लेकिन मैं इसमें जो है COD खेलने वाला हूँ। एक दो रोम्स की वीडियो में जो है COD खेलूँगा, उसके बाद देखूँगा कितने लोग किस गेम के लिए बोले हैं, उसके हिसाब से मैं जो है गेम प्ले फिर खेला करूँगा। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माय डिवाइस की, तो यहाँ पे MIUI का वर्जन मिल जाता है, प्लस लोगो आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। ऑल स्पेक्स में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 10 हमें मिल जाता है और सिक्योरिटी पैच जो है 1 अक्टूबर 2020 की मिलती है। वर्जन MIUI प्लस 12.0.2 स्टेबल हमें जो है देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्जन। एंड ये नीचे आते हैं हमारा, तो यहाँ पे कर्नल एक्सटेंडेड का ES न्यूकम वर्जन 51 हमें देखने को मिल जाता है। और कंट्रोल सेंटर तो हमारा बिल्कुल स्मूथ मिलता है और लैंडस्केप व्यू भी लेटेस्ट वाला ही मिलता है और सारे टोगल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टोगल हमें मिल जाते हैं। वॉल्यूम पैनल जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 3 पैनल के साथ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। पावर मेन्यू की बात करें तो पावर मेन्यू आपको काफ़ी ज़बरदस्त जैसे लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलता है, जिसमें रिकवरी पर भी आप जा सकते हो, साइलेंट कर सकते हो यहीं से, एंड रिबूट एंड शटडाउन भी मिल जाता है। और बात करते हैं न्यू रिसेंट के बारे में, तो डिफ़ॉल्ट जो है डिसेबल रहता, आप इनेबल कर लेना यहाँ से अरेंज आइटम में आ करके इन रीसेंट्स, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल रहेगा वर्टिकल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे इनेबल कर लेना। उसके बाद जो है आपको लेटेस्ट यहाँ पे रीसेंट आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़बरदस्त, जो कि अभी फ़िलहाल चाइनीज़ में आया है, चाइनीज़ बीटा में, तो अभी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा भी और काफ़ी स्मूथ भी मिल जाता है। रैम की बात करें तो यहाँ फ़िलहाल रैम जो है थोड़ी सी कम देखने को मिली है, जो कि 1.4 या 1.5 GB अवेलेबल मिल रही है। एंड बात करते हैं ऐप बोल्ट की, तो ऐप बोल्ट हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, जो कि काम नहीं कर रहा है इनेबल डिसेबल करने के बाद भी, तो ऐप जो है इसका प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो काम करने लग जाएगा इसे। एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड हमारा वर्किंग है, फ्रंट बैक दोनों ही, और यहाँ पे AI का फीचर दिया गया लेकिन प्रॉपर फिलहाल तो काम नहीं कर रहा है। एंड बात करते हैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की, तो वो आपको यहाँ पे 4K 30 FPS तक की देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर हम GCam की, तो GCam अगर आप यूज़ करते हो तो GCam जो है बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहा है, तो GCam से आप जो है पिक्चर बिल्कुल इस तरीके से क्लिक कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे आप देखोगे तो सारे एप्लीकेशन आपको लेटेस्ट ही मिलते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट डूडल ऐड किया गया है नोट्स में, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, नोट्स में डूडल मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो। हमारा हेल्थ एप्लीकेशन भी बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलता है, जो कि लास्ट लेटेस्ट देखने को मिला है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें, व्हाट्सअप मिल जाता है प्री इंस्टॉल और टेलीग्राम प्लस आपको मिल जाता है प्री इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो कौन कौन से एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलता है। टूल्स के आगे जो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन दिए गए सारे प्री इंस्टॉल आपको यहाँ पे रोम फ्लश करने के बाद मिल जाते हैं, और साथ साथ मैजिक भी आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैजिक मैनेजर आपका 20.4 फ्लश रहता है, तो आपके कहना है रिकवरी से 20.3 फ्लश कर लेना। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जब सेफ्टी नेट चेक करोगे तो आपका यहाँ से CTS तो फेल देखने को मिल जाता है, CTS आप देख सकते हो फेल है, लेकिन इसको कैसे आपको सक्सेस करना है, जैसे कि हमें पास करना है, तो सिंपली मॉड्यूल में जाना है, एक मॉड्यूल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मॉड्यूल को जो है यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट करना, अपने फाइल में जाना है जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा वहाँ पर जाना है आपको सिंपली, और इस मॉड्यूल को जो है यहाँ पे सेफ्टी पैच जो है दिया गया है इसको सिंपली आपको फ्लैश कर देना है, और यहाँ पे जो है हमें ये रिबूट कर लेना है कुछ इस तरीके से, तो ये जो है हमारा रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद आपको आके चेक करना है, तो आपका यहाँ पे जो है सेफ्टी नेट भी पास आपको देखने को मिलेगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हो सेफ्टी नेट हमें पास मिल जाता है यहाँ पे, और साथ साथ हमारा प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जब आप प्ले स्टोर देखोगे तो प्ले स्टोर भी आपका सर्टिफाइड हो जाएगा यहाँ पे, जो कि पहले हमारा सर्टिफाइड नहीं रहता प्ले स्टोर, तो ये भी जो है सर्टिफाइड हो जाएगा आपका ये चीज़ करने के बाद। और बात करते हैं यहाँ पे बैंकिंग ऐप की, तो बैंकिंग ऐप जो है आपके यहाँ पे कुछ बैंकिंग ऐप काम कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग ऐप काम नहीं करता, तो उसके लिए जो मैजिक मैनेजर को ऑलरेडी मैं वीडियो एक बना रखा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप देख लेना मैजिक मैनेजर से कैसे हाइड करके बैंकिंग ऐप को यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें जो है मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारी और भी डिटेल आपको जो है पता चल जाएगी, तो वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड बात करते हैं यहाँ पे टूल्स की, तो टूल्स के अंदर भी हमारे लेटेस्ट फीचर हैं, जैसे कि स्कैनर आप देख सकते हो लेटेस्ट UI के साथ मिलता है, FM हमारा वर्किंग है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में 100 MBPS तक की वीडियो क्वालिटी मिलती है, इंटरनल साउंड मिल जाता है, फ्रेम रेट जो है 90 FPS अनलॉक हमें मिल जाता है।
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी जो है फिलहाल अभी फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ओल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ओल्ड वाली है गैलरी। फिल्टर्स भी अभी फिलहाल आपको ओल्ड देखने को मिल जाता है, ज़्यादा लेटेस्ट बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर जो है स्काई देखने को हमें नहीं मिलता अभी तो फिलहाल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर हमारा बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके सेटिंग्स में जाते हैं, इंपोर्ट इवेंट्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हेल्प आप देख सकते हो। एंड सेटिंग्स की बात करें तो कास्ट जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो कास्ट में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे डबल टैप मिल जाता है। एंड नीचे आपको ग्लैंस फॉर एमआई मिल जाता है, क्लॉक फॉरवर्ड मिल जाता है, चार्जिंग एनिमेशन तीनों जो है लेटेस्ट वाले आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे रीडिंग मोड काम कर रहा है, कलर भी हमारे बिल्कुल इस तरीके से वर्किंग है। और डार्क मोड अभी फिलहाल पहले वाला ही देखने को मिलता है इंडिविजुअल ऐप के साथ। और यहाँ पे बैक करते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन जो कि देखने को मिलता है, तो ये भी अभी पहले वाला ही देखने को मिलता है। नीचे आपको जो है साइड चेंज करने के लिए भी मिल जाता है, और कंट्रोल सेंटर इनेबल डिसेबल के लिए देखने को मिल जाता है। एंड वेदर की एंड बैटरी इन्फो, ये सारी चीज़ें मिलती है। और नीचे आपको अलाउ ऑल रोटेशन जो है लेटेस्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और बात करते हैं साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर फिलहाल बाकी रोम्स की तरह ही है सारी सेटिंग, एडिशनल सेटिंग्स भी मिल जाती है। एंड साउंड के अंदर एमआई साउंड एनहांसर जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे होम स्क्रीन में तो फिलहाल आपको जो ऑलरेडी मैं दिखाई दिया हूँ होम स्क्रीन, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें जो है आपको ये सेटिंग्स जो है मिल जाती है यहाँ पे हमारा जो है रिसेंट चेंज करने के लिए दिया गया है। एंड वॉलपेपर की अगर हम बात करें, तो वॉलपेपर जो है MIUI प्लस का आपको वॉलपेपर, तो सबसे पहले यहाँ पे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है सुपर वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो इनको दोनों को आप इंस्टॉल कर लेना अगर आप यूज़ करना चाहते हो। ऐसे तो यूजलेस या फिलहाल लैग करता है, तो यूज़ करके भी फायदा नहीं है। एंड यहाँ पे थीम्स की बात करें, तो थीम्स जो है यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट या दो ही थीम आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और थीम स्टोर भी जो है फिलहाल अभी आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलता है, लोड भी लेता है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जो है ये चाइनीज़ में ही फिलहाल देखने को मिलने वाला है। और सिक्योरिटी की बात करें, तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप एक्सटेंडेड कर्नल डला हुआ है, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी फिलहाल मिल जाती है। एंड ऐप्स की बात करें, तो डुअल ऐप का जो लेआउट है पुराना वाला ही है और वर्किंग है यहाँ पे, ऐप लॉक का भी जो है लेआउट पुराना वाला ही देखने को हमें मिलता है। और एडिशनल सेटिंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिखा दूँ, तो लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, तो यहाँ पर जो है इंडोनेशियन लैंग्वेज फिलहाल हमें देखने को अभी नहीं मिलता है इसके अंदर, तो इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। और रीज़न आप चेंज कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें, तो जेस्चर जो है इसके काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट जो है वर्किंग है यहाँ पे, तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। और जेस्चर की बात करें, तो जेस्चर भी काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है इस रोम में, जेस्चर में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ हमारा जो नेविगेशन बटन है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है जेस्चर। और बटन शॉर्टकट भी अभी फिलहाल ओल्ड UI के साथ ही देखने को मिलता है। और नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग है हमारी, और बाकी सारे ऑप्शन तो आपको सेम ही मिलते हैं। और बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, तो इसके अंदर जो है आपको फोकस मोड देखने को मिल जाता है स्क्रीन टाइम के अंदर। और साथ साथ स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको जो है गेम टर्बो में वॉइस चेंजर दिया गया है, आगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा गेम में। एंड वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI 11 एंड लाइट मोड मिल जाता है। और नीचे हमारे जो है यहाँ पे अकाउंट सेटिंग जो है देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं इसके बूट एनिमेशन की, तो बूट लोगों तो MI का मिलता है, बूट एनिमेशन आप देख सकते हो MIUI प्लस का लोगों के साथ यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है ये बूट एनिमेशन। और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो 1,48,050 जो है हमें यहाँ पे स्कोर एंटूटू का देखने को मिल जाता है। और गेम की बात करें, तो मैं यहाँ पे जो है COD खेलने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइस चेंजर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम आपको वॉइस चेंजर में देखने को मिलती है, जो कि ये आप टेस्ट करोगे यहाँ पे, अगर आप टेस्ट करने के लिए दिया गया, टेस्ट टाइम जो है काम करता है, लेकिन टीम पे जो है ये काम नहीं करता, आपकी टीम को आपकी ओरिजिनल आवाज़ ही जाती है। और ग्राफिक आप देखोगे तो यहाँ पे हाई तक हमें मिल जाता है, फ्रेम रेट भी हाई है और मीडियम पे भी हाई है फ्रेम रेट, तो तीनों पे आपको फ्रेम रेट हाई ही मिलता है, और ग्राफिक भी हमें जो है हाई तक ही देखने को मिलता था। मैं यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ। और अगर हम बात करें यहाँ पे COD की ग्राफिक की, तो फिलहाल इसमें तो फिलहाल हमें लैग देखने को मिला ही नहीं, बिल्कुल अच्छी है और काफ़ी स्मूथ जो है चल रहा है, तो फिलहाल फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं। यहाँ पे ग्राफिक जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। एंड PUBG तो फिलहाल बैन हो गया, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि जो कि KR वर्जन है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं KR वर्जन का जो है यहाँ पे ले गया, वो फिलहाल बैन नहीं हुआ है, तो मैं ट्राई करूँगा, देखता हूँ उसका। अगर एक दो दिन अभी मतलब एक दो दिन सोच रहा हूँ कि अभी COD का जो है गेम प्ले डालूँ, फिर सारे कमेंट्स दो तीन दिन के जो वीडियोस हैं उन सब में कमेंट मैं चेक करूँगा कि कौन सी गेम के लिए लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी मैं लेके आऊँगा, उसका ही गेम प्ले हमेशा फिर आया करेगा।
तो आप लोग इस वीडियो में भी कमेंट करके बता देना, इसलिए सारी वीडियोस में मेरी कमेंट करके बता देना। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ इस रोम के इंस्टॉलेशन के बारे में, मेन जो है इंपॉर्टेंट इसका इंस्टॉलेशन तो आपका जैसे कि बाकी रोम में रहता उसी तरीके से सेम रहने वाला है। बस क्या है कि रिकवरी यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑरेंज फॉक्स की ऑफिशियल रिकवरी पे आपको एरर 7 देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक रिकवरी मैं दे रहा हूँ, ऑरेंज फॉक्स की अनऑफिशियल रिकवरी है, उसमें आपका जो है एरर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल रिकवरी में जाना, डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन पांचों को जो है वाइप करना है एंड रोम फ्लश करके सिंपली रिबूट कर लेना है, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस रिकवरी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो दे दूंगा उसको आप सिंपली फ्लश कर लेना और उसके बाद जो है रोम अपना फ्लश करके रिबूट। तो बस यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।